बताइए मुकामा में इतना प्यार मिला है, बिना नतीजों के परिणामों में बदले कैसे जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही थी, कई उनके केंद्रीय मंत्रियों से मेरी बातचीत चल रही थी और अंत में आज से दो दिन पहले मेरी एक लंबी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई और उस मुलाकात में इतना जरूर तय हुआ कि कम से कम इस दो विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं मोकामा और गोपालगंज, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी, दोनों जगह के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। बताइए मोकामा में इतना प्यार मिला है तो कैसे ये बिना नतीजों के परिणामों में बदले कैसे जाएगा? धन्यवाद। चिराग जी बोलिए कि ये बीजेपी से सौदेबाजी हुई है क्या आपकी? हाँ, बीजेपी से सौदेबाजी हुई है। देखिए सौदेबाजी राजनीतिक परिपेक्ष में ये शब्द उचित नहीं माना जाता, सौदेबाजी नहीं, बट हाँ हम लोग की बातचीत जरूर हुई है। राजनीति में जब समर्थन किया जाता है या गठबंधन होता है तो वो सिद्धांतों पर होता है, विचारों के आधार पर होता है, मुद्दों के आधार पर होता है। यकीनन एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही थी, कई उनके केंद्रीय मंत्रियों से मेरी बातचीत चल रही थी और अंत में आज से दो दिन पहले मेरी एक लंबी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई और उस मुलाकात में इतना जरूर तय हुआ कि कम से कम इस दो विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं मोकामा और गोपालगंज, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी, दोनों जगह के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। गठबंधन को भी लेकर कई चर्चाएं हुई हैं पर उसमें अभी कुछ बिंदु और हैं जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे और मुझे लगता है आने वाले दिनों में संभवतः उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। पर फिलहाल कोई सौदेबाजी नहीं, पर हाँ विचार हम लोग के कभी मतभेद था भी नहीं। एक लंबे समय से अगर आप देखें और 2020 में भी जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ने का काम किया उस वक्त भी मैंने भाजपा के खिलाफ कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था क्योंकि भाजपा लोजपा में कभी इस तरीके का कोई टकरार ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी की नीतियों से मैं जरूर थोड़ा चिंतित रहता था क्योंकि बिहार की सोच के अनुपात नहीं होती थी, तो इसीलिए भाजपा लोजपा पुनः पूरी ताकत से मिलकर दोनों सीटों पर जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या आपको आश्वस्त कर दिया है नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में नहीं होगी? थैंक यू। केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग आ रहे हैं सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चाचा से सर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं, चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।